गर्मी के दिन अब शुरू हो गए हैं और गर्मी के दिनों में बहुत सारे लोगों का यही शिकायत होता है कि उनका रोज का पौधा ठीक से ग्रो नहीं करता, या फिर उनका रोज का पौधा सूखने लगता है, या फिर उनका रोज का पौधा सूखते सूखते पूरा ही मर गया है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है गर्मी के दिनों में रोज के पौधे का कुछ खास केयर करना पड़ता है, तभी रोज का पौधा बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है और उसमें बहुत सारा फ्लावरिंग होता है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुरोजीत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मिशन गार्डनिंग। आज हम बात करेंगे रोज के पौधे का गर्मी का केयर के बारे में। अगर आप ये वीडियो फॉलो करेंगे तो आपका रोज का पौधा एक भी इस गर्मी की वजह से नहीं मरेगा और बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा और उनमें बहुत सारा फ्लावरिंग होगा। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। केवल गर्मी के दिनों में ही नहीं, हर मौसम में आप गुलाब के पौधे को हमेशा साफ सुथरा रखें। गुलाब के पौधे को गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं होता और ज़रा सी गंदगी से भी गुलाब के पौधे में बहुत ही ज़्यादा फंगल डिजीज़ हो सकते हैं और गुलाब के पौधे के लिए फंगल डिजीज़ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। फंगल डिजीज़ से गुलाब के पौधे मर भी सकते हैं, इसीलिए आपके पौधे के पॉट से हमेशा जितने भी घास घूस उगे हुए होते हैं उनको हटाते रहे। इसके साथ साथ कोई सूखा पत्ता या फिर सूखा ब्रांच अगर पॉट के मिट्टी में गिर गया है उसे भी हटाते रहे। इसके साथ साथ अगर आपके पौधे में कोई भी सूखा हुआ ब्रांच या फिर सूखा हुआ पत्ता या फिर सूखा हुआ फ्लावर है उसे भी आप हटाते रहे। इस तरीके से अगर आपके पौधे को साफ सुथरा रखेंगे तो फिर आपके पौधे में फंगल डिजीज होने का चांस बहुत ही कम हो जाएगा। पॉट में सफाई करने के बाद आप हमेशा पॉट में 1.5 से 2 इंच अच्छी तरीके से गुड़ाई कर दें। इससे मिट्टी में एयर ठीक से जा पाएंगे और रूट्स अच्छी तरीके से डेवलप करेंगे और आपके पौधे का ग्रोथ बहुत ही अच्छा होगा। गुलाब के पौधे के लिए जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट केयर है, आप सूखे हुए फ्लावर को हमेशा अपने पौधे से रिमूव करते रहे। सूखे हुए फ्लावर के नीचे जो पत्तों में नॉड एरिया होता है वहाँ से ही नया ब्रांच निकलता है और गुलाब के पौधे में हमेशा नए ब्रांच में ही फ्लावरिंग होती है, इसीलिए आपको गुलाब के पौधे से सभी सूखे हुए फ्लावर्स को रिमूव करते रहना होगा, नहीं तो ये पौधे से एनर्जी लेता रहेगा और पौधा नया ब्रांच नहीं बना पाएगा। फ्लावर के साथ 2-3 पत्तों को छोड़कर आप नॉड एरिया के थोड़ा सा ऊपर ब्रांच में कट कर दें और अपने फ्लावर को रिमूव कर दें। उसके बाद उस ब्रांच के कटे हुए पार्ट में आप फंगीसाइड का एक पेस्ट लगा दें। फंगीसाइड का पेस्ट बनाने के लिए आप थोड़ा सा फंगीसाइड लीजिए और उसमें बस थोड़ा सा पानी डालिए और उसको अच्छी तरीके से मिला लीजिए। इससे आपका एक पेस्ट तैयार हो जाएगा और ये पेस्ट लगाने से गुलाब के पौधे में उस कटे हुए पार्ट से कोई भी फंगल डिजीज होने का चांस बहुत ही कम हो जाएगा। अगर आपके पास फंगीसाइड नहीं है तो फिर आप नीम ऑयल या फिर टर्मरिक पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्मियों में गुलाब के पौधे में एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम होता है, मिट्टी का सूख जाना। इसके लिए आप मिट्टी में मल्चिंग कर सकते हैं। मल्चिंग करने के लिए मैं कोकोपीट और कंपोस्ट 50-50% में मिला लेता हूँ। उसके बाद अपने पॉट के ऊपर अच्छी तरीके से इसका 1.5 से 2 इंच का एक लेयर दे देता हूँ। ये फर्टिलाइजर काम भी करता है और मल्चिंग का काम भी करता है, इसीलिए मैं ये मेथड यूज़ करता हूँ। अगर आप चाहे तो नीम के सूखे हुए पत्ते या फिर कंपोस्ट या फिर स्पैगना मॉस, इन सभी चीज़ों से भी अपने पौधे में मल्चिंग कर सकते हैं, ये भी सेम काम करेगा। गर्मियों में गुलाब के पौधे के अच्छे ग्रोथ और बुरे ग्रोथ के लिए जो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है वो है सनलाइट, इसीलिए आपको सनलाइट के बारे में कुछ खास ध्यान रखना होगा। गुलाब के पौधे को आप गर्मी में कभी भी दोपहर के तेज़ धूप में ना रखें,
इससे आपके गुलाब के पौधे में सभी पत्ते जल जाएंगे और आपके गुलाब के पौधे का हाल कुछ मरने जैसा हो जाएगा और आपका पौधा इससे मर भी सकता है। इसीलिए आपके गुलाब के पौधे को ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर दोपहर का तेज धूप बिल्कुल भी ना आए, सिर्फ सुबह का धूप आए या फिर शाम का धूप। इससे आपका पौधा बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा। इसके साथ साथ अगर आपके एरिया में गर्म हवा यानी लू चलता है तो फिर आपके पौधे को ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर तेज हवा नहीं चलती। इन दोनों प्रॉब्लम से बचने के लिए आप ग्रीन नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्मियों में गुलाब के पौधे को हेल्दी रखने के लिए शावर का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। आप रोज सुबह सुबह या फिर शाम का टाइम जब तेज धूप ना हो तब आपके गुलाब के पौधे को अच्छी तरीके से नहला दीजिए। गुलाब के पौधे को नहलाना बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है और गुलाब के पौधे को नहलाने से इसका टेम्परेचर वापस नॉर्मल हो जाता है और गर्मी का कोई ख़राब असर इस गुलाब के पौधे पर नहीं पड़ता। इसीलिए आप रोज़ गुलाब के पौधे को अच्छी तरीके से नहला दें, लेकिन कभी भी तेज़ धूप के टाइम गुलाब के पौधे को ना नहलाए या फिर किसी भी पौधे को ना नहलाए। तेज़ धूप के टाइम में अगर आपके पौधे को नहलाएंगे तो पत्तियों के ऊपर वो पानी मैग्नीफाइंग ग्लास जैसा काम करेगा और वो पत्तों को तुरंत जला देगा। इसीलिए आप कभी भी आपके पौधे को तेज़ धूप के टाइम पे ना नहलाए। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि गुलाब के पौधे में फंगस का बहुत ही ज़्यादा अटैक होता है, इसीलिए आप महीने में एक बार ज़रूर अपने पौधे में फंगिसाइड इस्तेमाल करें। फंगिसाइड के लिए आप सांप या फिर स्प्रिंट या फिर इस तरह का कोई भी फंगिसाइड इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप आपके पौधे में हर 15 से 20 दिन में एक बार नीम ऑयल इस्तेमाल करें। इससे आपके पौधे में किसी भी इंसेक्ट का अटैक नहीं होगा। नीम ऑयल किस तरीके से इस्तेमाल करना है इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा है, आप वहाँ पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। यही था आज का वीडियो गर्मियों में गुलाब के पौधे का केयर के बारे में। अगर आपके मन में कोई सवाल या फिर सुझाव हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। इससे जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग।